या चुपचाप उभी रहे, समझी? आपने मुझे यहां किस लिए बुलाया? तने याद न थी मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? शू? क्यों? उस दिन तुमने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं? मुझे याद है, आपको याद नहीं है। आपको वैसे तुम्हें पता है कल रात तुम्हारी दिकरी ने क्या किया? मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब तुमने पैसा जोइए छे, है ने? नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे पैसा। तो ना क्यों बोलती है? कल रात को तो राजी हो गई थी। हाँ माँ, मैं राजी हो गई थी, लेकिन सच तो ये है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना गोलू चाहिए, मेरा बच्चा। पर मुझे तो चाहिए पूरे 40,000 रुपए। मतलब तुमको 40,000 मिल गए तो बस, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं? अरे वाह, ऐसे कैसे? दर महीने 10-10,000, ये बात भी तो पक्की की थी हमने। अरे इतना पैसा हम कैसे दे सकते हैं? तो ठीक है, मैं सब कुछ आके सच बता देती हूँ, पूरा सच, कि कैसे आपने आश्रम से एक बच्चा चुराया और उसी की माँ को घर में नौकरानी बना के रखा। सबको बता दूंगी। क्या तुम हमको ब्लैकमेलिंग कर रही हो? हाँ, तो आपके साथ पहले ही सारी बातें हो चुकी थी, याद करो। अरे दोषी, तूने खुद ही तो बस वो चुप चुप, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पे चढ़ जाओगी। दे। लो, पकड़ अपने दोहितर को और दफा हो जाए यहां से। मेरा गोलू। मारी गलती हती, उस दिन तेरे घर गई तभी इस छोकरे को वहां छोड़ आना चाहिए था, पर वो है कि इसको लेने को तैयारी नहीं। पर ये कोई तमाशा नहीं है, जब तुम्हारा जी चाहा तुमने बच्चा ले लिया और जब जी चाहा बच्चा लौटा दिया। माँ तू क्या कर रही है? नहीं, ऐसे नहीं, गोलू यहीं रहेगा और जो कुछ राशि का है उस पर गोलू का भी तो हक होगा। गोलू को इधर ही रखो और हमारे पैसे हमें दे दो। हाँ, मैंने तुझे कहा था ना, इन लोगों को फक्त पैसा चाहिए, पैसा। आशु,
ये तो कुछ बोली भी नहीं। मम्मी कहीं ये कागड़ी को फोन करने तो नहीं गई है ना? गोपी आशु छे? वंश को इस तराजू के पलड़े पे रख दीजिए। क्या आप इतनी हैरान क्यों हो रही है राशि बेन? और वैसे भी यहाँ तो वंश के नाम पर बोली ही लग रही है, तो डाल दीजिए इस नन्ही सी जान को इस तराजू में और लगाइए बोली और साफ साफ बताइए कि इतने दिनों का इतना पैसा, इतने सालों का इतना पैसा और इसके पूरे उम्र का कितना पैसा लेंगी आप? कितनी कीमत हो सकती इस मासूम सी जान की? हो सकता है आपने किसी मजबूरी की वजह से अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ा, लेकिन उसके बाद इसकी ये दुर्दशा, यहां तक कि इसकी बोली भी। मैं अनाथ थी, मेरे माँ बाप गुजर गए थे मुझे अकेला छोड़ के, लेकिन ये वंश, इसकी तो एक जीती जागती माँ है, नानी है, तो ये कैसे अनाथ हुआ? अलका बेन, आपको जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ? जरा भी नहीं हुआ? मामी जी आप, मैं जानती हूं आपने जो कुछ भी किया राशि बेन के लिए किया, लेकिन आपने एक बच्चा कैसे चुराया बताइए ना मामी जी? क्या मीरा राशि बहन की बेटी नहीं है?